नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट से जरूर देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली केरल की मिठाई। तो इसके लिए हमने ब्रेड ले लिए हैं और ये कम से कम 10 से 12 ब्रेड हैं। और ब्रेड को मैं तोड़ लेती हूँ इस तरीके से, और मोटा मोटा ही तोड़ना है, ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ना है। और ये ले लिया है मैंने मिक्सी का जार। तो ये ब्रेड को डाल देते हैं मिक्सी में और इसको दरदर पीस लेते हैं ब्रेड को। और बढ़िया सा ब्रेड का चूरा बनके तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं उसी बर्तन में और अब इसमें डाल देंगे ये कम से कम 5 चम्मच मिल्क पाउडर। ये देखिए, तो चलिए इसको डाल देते हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ये डाल दी। इसको डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। और ये ले लिया है हमने आधा कटोरी दूध और इसको डाल देते हैं। दूध को भी आधा ही डालेंगे अभी। और इस तरीके से मिला के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और 10 मिनट बाद इसको अच्छे से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद देंगे। ये 4 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने और जो बचा हुआ जो दूध था वो भी डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, तो चलिए इसको बहुत ही सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं। और बढ़िया चिकना डो बन के तैयार हो गया है। और मैंने तेल गरम करने रख दिया था, तो थोड़ा सा ये लेके और मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये मिठाई बनाने के लिए हमें बिल्कुल नॉर्मली गुनगुना तेल चाहिए। तो ये एक गोल ये इस तरीके से चेक कर लेते हैं एक रसगुल्ला बना के। ये देखिए बढ़िया सा सिक चुका है। तो ये मैंने गैस पे रख दिया है और ये चाशनी थी मेरे पास, पहले से रखी हुई थी, तो इसको गर्म करके मैंने छान लिया है। ये एक तार की चाशनी बनाई थी मैंने, और आप अगर बनाओगे तो एक तार की ही चाशनी बनाना। और ये मैंने आधा डो ले लिया है और इस तरीके से इसको बेल लेते हैं। मोटा बेलना है हमें। ये देखिए, तो चलिए बेल के मैंने तैयार कर लिया है इसको। मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कितना मोटा बेला है। और अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से बराबर काटना है हमें। ये देखिए, ये चौकोर हम बनाएंगे इसके। ये देखिए इस तरीके से काट लेते हैं। अभी लंबा लंबा काटा है, अब चौकोर भी काट लेते हैं। ये देखिए, ये काट लेते हैं। और काटने के बाद, क्योंकि मैंने गैस कम कर रखी है, गैस को हमें तेज नहीं करना है, कम गैस पे ही इसको सेकेंगे। ये सारे कट चुके हैं, ये इसको छुटा लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए ये छुटाने के बाद ये डाल देते हैं तेल में सिकने के लिए, ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। तब तक हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, एक एक करके डाले हैं ये। ऐसे हल्के आराम आराम से चला देंगे इसको, पलट पलट कर देंगे और इस तरीके से सेकेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है इसमें। और थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं हल्का सा गुलाबी। तो चलिए सीख चुके हैं, तो इसको मैं चाशनी में निकाल के डाल देती हूँ। ये देखिए, तो चलिए एक रोटी और मैंने बेल के रख दी थी, तो उसको भी काट लेते हैं। ये देखिए, इसको भी उसी तरीके से काट लेंगे जैसे हमने पहले वाली काटी थी, और उतनी ही मोटी रोटी बनाई है मैंने। और इसको भी सेक लेते हैं, काट ली है तो। ये लीजिए, तो चलिए इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं बढ़िया कलर आने तक। और ये भी लगभग सिक्के तैयार ही हो गए हैं। और ये फूलते बहुत अच्छे हैं, जैसे गुलाब जामुन फूल जाते हैं ना, वैसे ही ये भी फूल जाते हैं सिकते सिकते, क्योंकि कम गैस पे इसलिए सेकते हैं क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये सीख चुके हैं, तो इसको भी मैं चाशनी में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, चाशनी में निकालने के बाद इसको अच्छे से चम्मच से मिला देंगे और इसको कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये चाशनी अच्छे से सोख कर ले। ये देखिए, तो चाशनी बहुत ही बढ़िया सोख कर ली है और ये ठंडे भी हो चुके हैं, तो इसको सजा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से निकाल देते हैं डोंगे में।
और ऊपर से थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं इसके ऊपर से। ये देखिए बढ़िया से ठंडी ठंडी मुंह में घुल जाने वाली केरल की मिठाई बनके हो गई है तैयार। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लाती रहूँ।